सारे स्वागत आपका फिर से नए ब्लॉग में। और आज है भाई चौथा नवरात्र, पहले नवरात्रे को तो जा नहीं पाए भाई हम, कालका जी बहुत भीड़ होती है। भीड़ तो खैर आज भी होएगी, पर अभी हम सौंझ को निकलेंगे 6 बजे। आ रहे हैं यार दोस्त अभी, तो तब तक अपना नहा धो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और चलते हैं माता की तरफ। तो भाई हो गए तैयार, नहा धो गए, बस दोस्तों का इंतजार है। कितनी देर में आ रहे हैं, 15 मिनट तो ऊपर हो चुके हैं, हमने 6 बजे का टाइम दिया है, 6:15 हो रहे हैं और बस निकलते हैं फिर। मिम्मी, ए मिम्मी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमारा बुलावा हो गया है माता रानी का। यस, अच्छे से जा रहे हैं बिल्कुल। तो भाई अभी कराओ उनको फोन, अभी वे तैयार भी ना हुए हैं और मैं पहले तैयार होकर बैठ गया। भाई मेरा यू है कि अगर मुझे किसी ने एक टाइम दे दिया ना कि इस टाइम पर कहीं जाना है, तो मैं टाइम से 10 मिनट पहले तैयार होकर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, चाहे कोई हो चाहे ना हो, पर मैं टाइम से पहले खड़ा हो जाऊँ। देख रहे हो, नहा के निकल रहा, गैल गैल पसीने आ गए। तो अभी जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक मैं ले आता हूँ दूध वूध अपना और चलते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि नंगे पैर ही चला जाऊँ घर से ही, और मम्मी यूँ कह रही कि अगर गाड़ी में जा रहा हो तो गाड़ी में छोड़ दियो, पर जब नंगे पैर ही जाना तो घर से ही जाएंगे ना नंगे पैर, हैं क्यों, हम गम की चप्पल ढोवे। तो चल रहे पहले अभी दूध लेने। तो भाई अभी तुम्हारा भाई खड़ा हो इस टाइम मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का इंतज़ार करते हुए। अब तुम यूँ सोच रहे होगे कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ कि भाई दोस्त आ रहे हैं, ठीक। अब भाई दोस्त निकट गए, वे यूँ कह लगे उनने भाई कर दिया कैंसिल, तो भाई हम नहीं जा रहे, मेरी होगी बुद्धि ख़राब। मैंने कहा भाई अगर माता के नाम की कह दी है कि जा रहे हैं तो मन के जा ही रहे हैं। तो भाई मैं लिख दिया फिर मेट्रो से ही, मगर चलो मेट्रो से चल रहे, जो होगी देखी जाएगी, तुम नहीं जा रहे तो कोई बात ना, मैं होकर आ रहा हूँ। तो और भाई बस लिख दिया हूँ, और अभी घर मैंने बताई नहीं है कि मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले सोच रहे हैं कि दोस्त आ रहे हैं। अगर घर पर बता देते ना मैं कि दोस्त नहीं आ रहे मुझे मेट्रो से जाना है, तो घर के मेरा जहाँ तक है कैंसिल कर देते, और मेरा मन नहीं था कि मेरा बिल्कुल भी कैंसिल हो। तो इस मारे मैं मेट्रो से जाकर, मेट्रो आ चुकी है, अभी चलते हैं सीधा मंदिर पर दिखते हैं। भाई उतर गऊँ कालका जी मेट्रो स्टेशन पे और अब जा रहा हूँ मंदिर में, जाकर देखते हैं मंदिर में भाई कितनी भीड़ है नहीं है। माता रानी बस भीड़ मत होइयो, जो जल्दी नहीं मर जाए भाई, मतलब 8:40 हो रहे हैं, 8:40 पर उतर हूँ। अब मंदिर में देखो कितना टाइम लगता है दर्शन में, बस उम्मीद है कि 12 बजे तक पहले दर्शन हो जाए, 11:30 से पहले जो अपने मेट्रो मिल जाए मुझे, नहीं तो भाई फिर ओला वोला ही करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं क्या होता आगे। दुकान पे तो अभी भीड़ कम है, रोड पे भी भीड़ कम है, देख के अंदाज़ा लग रहा कि ज़्यादा भीड़ नहीं होएगी, बाकी जो है अंदर जाकर पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। और भाई एक चीज़ और कि इन्होंने ना एंट्री गेट भी सिर्फ 2 या 3 ही खोल रखे हैं, बस हर जगह से एंट्री नहीं होगी, देखता हूँ जाके कहाँ से एंट्री कहाँ से नहीं। भाई बाहर रोड पर देख कर मुझे लग रहा है कि भीड़ कम होगी भीतर, लेकिन आगे लेन देख के मुझे अंदाजा होगा कि इतनी जल्दी नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि जो मेन गेट ना इधर वाला मेट्रो के पास वाला, उससे भी बाहर तक लग रही है लाइन, और हम आगे से घूम के आया हूँ मैं इतनी दूर। अब ये लगा लो गेट के बाहर भी लाइन लग रही है, सामने दिखाता हूँ अभी मैं तुम्हें। भाई यू है एंट्री गेट और यहाँ तक लेन है, अभी मुझे ये लगा लो यहीं खड़े हैं अभी हम, लेन आगे चल नहीं रही और भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं तो यूँ सोच रहा भाई थोड़े लेट जा रहे हैं, थोड़े कम मिलेगी भीड़, पर ये तो और भी ज़्यादा मिलेगी भाई। भाई आधा घंटा हो गए खड़े खड़े, और अभी तक गेट के अंदर ही आए हैं सिर्फ, ये देखो यूरो गेट यूरो, और अभी तक गेट के भीतर ही बढ़ा हूँ, अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी है भाई, और 9:30 बज रहे हैं। अब देखो कैसे दर्शन देती है मैया। भाई अब जाके थोड़ी सी एंट्री हुई है, लग रहा है कि हाँ मंदिर में खड़े हैं हम। यहाँ पानी जल सेवा है भाई, किसी को प्यास लग रही हो तो अपना पानी वानी पी लो फ्री में। भाई यहाँ खड़े हैं लाइन में, ये कर दिए गेट बंद, मतलब अंदर जाके गेट बंद कर देते हैं,
जैसे कि अंदर की भीड़ खाली हो जाएगी तो फिर यहाँ की भीड़ को भेजते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अंदर खाली दर्शन खुले दर्शन होंगे, देखते भी अंदर चल के। भाई आ गए हैं मंदिर के अंदर, वो सामने मंदिर है और लाइव दर्शन आ रहे हैं माता रानी के, और कैमरे में दिख नहीं पा रहा साफ, माता रानी के लाइव दर्शन आ रहे हैं। नहीं हो पाए अंदर से, सीधा लाइव आ रहा था, वो टीवी लगा रखे थे तो बस खाली वीआईपी एंट्री थी अंदर, आज अंदर नहीं जा पाए। तो भाई मंदिर के दर्शन करने के बाद आया तुम्हारा भाई भैरव बाबा पे, और भैरव बाबा बिल्कुल पड़े हैं, मतलब भाई इतनी भीड़ नहीं है भैरव बाबा पे, देख लो मंदिर बिल्कुल खाली है, भीड़ बहुत कम है, नागे बराबर है, और भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं अच्छे, अब चल रहे हैं बाहर कुछ खाऊँ पीऊँ और देखूँ। तो भाई 11:30 हो रहे हैं, अभी बैठा हूँ मैं कालकाजी के मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो अभी आई ना और कश्मीरी गेट तक की टिकट मिली है, क्योंकि आगे अभी यहाँ से जाएगी नहीं, कश्मीरी गेट पर अगर मिलेगी मेट्रो तो वहाँ से देखेंगे, नहीं तो वहाँ से कुछ रैपिडो वगैरह देखूँगा। आ तो गई एक मेट्रो, अब पता नहीं इधर आ रही है उधर आ रही है, हमारी पता नहीं कब आएगी। तो भाई आ गऊँ घर और बज रहे हैं एक रात के, मतलब 7 बजे के लिकड़े 1 बज गए, अरे अभी तक सोई नहीं है, ये डोल रहा नंगा बाबा जी ये नंगा बाबा जी डोल रहा। तो भाई दर्शन तो जैसे हुए वैसे हुए, भैरव बाबा के हो गए खुले दर्शन, कोई दिक्कत ना हो। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब कुछ सब्सक्राइब। राम राम जी, जय माता दी।